अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं चना चाट, जो कि इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। हम लेते हैं 1 अनियंस, 2 टमेटोज, 2 चिली, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लेते हैं हम, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून चना चाट मसाला एंड रेड चिली पाउडर। और साथ ही अब हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे चना चाट बनाते हैं। आइए देखते हैं। हम लेंगे 1 पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 स्पून्स ऑयल। उसमें हम अब ऐड करेंगे 1/2 स्पून ज़ीरा, 1/4 स्पून हमारे पास ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे चिकपी। हम लोगों ने तकरीबन 3 कप्स चिकपी लिए हैं। अच्छा, जैसे ही ये हमारे पास बॉयल्स हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग और इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते हैं। ये हम लोगों ने थोड़े से चिक पीस और ऐड किए, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे तब तक कि ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो चिक पीस थे वो अच्छी तरह बॉयल हो गए हैं। अब इसे हम लोग बाउल्स में डाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बाउल्स में डाले, देखिए आप लोग। अब इसमें मैं पोटैटो ऐड करूंगी, जो कि मेरे पास तकरीबन 3 स्पून है। ये ऐड किया। अब मैं सारा जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको पहले बताया था, मैं वो ऐड करूंगी। ग्रीन चिली, अनियंस एंड देन मैं ऐड करूंगी टमेटोज। जब मैंने ये सारा इंग्रेडिएंट्स ऐड किया तो उसके बाद मैं जो मैंने आपको चाट मसाला, साल्ट और रेड चिली पाउडर बताया था वो मैं ऐड कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास चाट मसाला है। मैं लूंगी 1 स्पून। वन एंड हाफ स्पून मैंने चाट मसाला लिया। अब मैं लूंगी साल्ट 1 स्पून। अब रेड चिली पाउडर, ये मैंने मिक्स किया एंड देन मैं लूंगी मैदा चिप्स। इसके ऊपर मैं अब लूंगी योगर्ट, ये मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं। और ये जो मैदा चिप्स मैंने बताया आपको, अगर आपको इसकी रेसिपी नहीं आती तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। इस टाइम इतना टाइम नहीं था तो इस वजह से मैंने उसकी रेसिपी नहीं डाली। तो ये देखिए आप, ये मैं जो मैदा चिप्स थे वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह डाल दूंगी। ये मैं अच्छी तरह इसके ऊपर डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। अब मैं ऐड करूंगी इमली की चटनी, जो कि मैंने 4 स्पून लिए हैं, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने चटनी बनाई थी वो मैं डाल दूंगी। ये मैंने बनाई थी गार्लिक लीफ से।
ये मैंने डाल दी। आप देख सकते हैं कि हमारे चाट का जो लुक है वो कितना अच्छा आया हुआ है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़े की है। अब जो मैंने मैदे के चिप्स छोड़े हुए थे वो अब इसके ऊपर मैं दोबारा से डाल दूंगी। ओके, अब मैं इस पे डालूंगी रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला एंड देन ऐड करूंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया और आप देख सकते हैं हमारी चाट रेडी हो गई है। थैंक यू।